पब्लिक टीवी आपकी आवाज। शहर के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंची बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुस्लिमों, दलितों और किसानों को साधने की पूरी कोशिश की। मायावती का 20 मिनट का संबोधन इन तीन वर्गों पर केंद्रित रहा। इस वर्ग को रिझाने के लिए वो भाजपा पर खुलकर प्रहार करती रही। बीच बीच में उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली बसपा ने मंडल की 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस जीत का फॉर्मूला मुस्लिम दलित गठजोड़ रहा। यही वजह रही कि मुरादाबाद में जनसभा के जरिए मायावती ने मुरादाबाद मंडल और उत्तराखंड प्रांत के नैनीताल तक के लोगों को संदेश दिया कि वो दलितों के साथ अल्पसंख्यकों की हितैषी हैं। इसके लिए वो भाजपा पर हमलावर रही। अपने भाषण में मोदी सरकार की आर्थिक और कृषि नीतियों की जमकर आलोचना की, साथ ही आरएसएस को भी नहीं छोड़ा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।